आपके सपनों को साकार, आपके सपने साकार हो जाएंगे। यस, हमको सपना अब अगर एक बार एडमिशन हो गया सर, तो हम अपना सपना जो है साकार करके रखें। बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है या आपके गांव में जो शिक्षा की व्यवस्था, इसको लेकर पहले भी किसी से शिकायत किए थे क्या? पहले से तो हम शिकायत किए थे, ये एसपी साहब को हम फोन लगाया था, हमको पता नहीं था, तो वो हमको जिला शिक्षा पदाधिकारी का नंबर दिया, अभी उनका नाम नहीं याद है। वो आज तक, वो उसी समय 2020 में ही बोले हम शिक्षा को आकर के समझा बुझा देंगे, वो आज तक समझते बुझते कंप्लेन किए थे, उसके बाद हार मान गए। अच्छा, क्या कुछ लगता है कि शिक्षा में बदलाव आना चाहिए? जैसे व्यवस्था करवाइए, शिक्षक की नियुक्ति चेक इंटरव्यू करके लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, उसके बाद वहाँ पर भेजिए, और जो है शौच तौच जो है ये सब पर पूरा ध्यान रखा जाए, और सभी चीज़ जैसे चौक डस्टर ये सब का माने फंड हर महीने भेजा जाए, और उस फंड का सही उपयोग होने पर, इसलिए हर महीना में जो है पत्रकार जो रहते हैं वो आकर के बच्चों से पूछे कि हाँ भाई ये आया कि नहीं आया, उनसे हाल चाल पूछते रहें, और हम कहते हैं कि जब शिक्षा सुधरे तो एक महीना पर 3 दिन का एक टेस्ट भी रखा जाए, जिसमें कि कम जिस स्कूल में कम नंबर लाया गया है उसको जो है फाइन भरना पड़े 1,000-2,000 का, इस प्रकार से उसका थोड़ा सा, और गार्जियन से हम जनता से यही अपील करेंगे कि वो अब से सरकारी स्कूल भेजे, और प्राइवेट को जो है आप लोग त्यागिए और सरकारी स्कूल भेजिए। तो आप तो निजी शिक्षा की बात कर रहे हैं कि हमको निजी स्कूल में एडमिशन कराया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं? हमको निजी नहीं, हमको ऐसा स्कूल चाहिए जिसमें कि हम IAS माने हमको कम से कम 12th तक के हमको अच्छा से हम पढ़ करके UPSC के लायक बन जाए। अच्छा, कल आपने एक और शिकायत की थी शराबबंदी को लेकर, क्या कुछ लगता है कि पिताजी आप शराब पीना छोड़ देंगे, या जो शराब है उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, सरकार या फिर यहाँ की लोकल प्रशासन? मेरे पिता जो हैं वो तो शराब पीना छोड़ दिए हैं, वो बोले हैं कल रात को, और इसके लिए प्रशासन भी थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि शराब धंधेबाजियों जब पकड़ा जाता है तो उसको छोड़ क्यों दिया जाता है, उसको जो है गार्जियन, अब तुम जानो, तुम्हारा परिवार जानेगा, तुम पीटो, और जब तक वो मने है अथी नहीं करता है, वो तो कहता है कि एक तरह से सरकार को चैलेंज कर रहा है कि वो जो है मने शराब बिक रहा है, तो रहते शराब बिक रहा है, ये उसका चैलेंज है सर, शराब माफियाओं के द्वारा। हाँ, शराब माफियाओं के लिए, और जो शराब पीते हैं उनको तो कुछ कहा नहीं जाए, शराब उत्पाद ही नहीं होगा तो पियेंगे कहाँ से। अच्छा, बिहार में जब 2015 में जब ये कानून बनी थी शराबबंदी की, तो इस कानून को आप कैसे देखते, सही है या गलत? 2015 में तो हमको उतना होश नहीं था। नहीं, ये शराबबंदी जो कानून लागू किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, तो इसको आप कैसे देखते, ये अच्छा है, अच्छाई की तरफ है या बुरा? ये अच्छाई की तरह है सर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं ये हमारे जो है पिताओं एवं जो भी भाइयों एवं बहनों हैं उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि शराब अगर पीते हैं तो आपकी नुकसान होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की नहीं, और उनके देश में जनता घटी तो आप जानिए, और कहते हैं कि ओकरा मरने तक 4,000 रुपया नहीं दे, 4,00,000 रुपया का चेक नहीं दिया, और तो कहा देगा तुम शराब तुम अपने से ना जहर किया था, तो अपने से जहर किया था कहा तो रहा देगा। अच्छा, ये कानून इतने दिन में 5-6 साल बीत गए शराबबंदी कानून को, ये सफल है या असफल? ये सफल होता है तो फिर असफल हो जाता है सर, और देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि शराबबंदी जो है वो एक तरह से सफल हो रहा है, और सफल तभी होगा जबकि उस पर पूरी सिविल ड्रेस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सिविल ड्रेस एक वर्दी होता है जिसमें कि ड्रोन उड़ा था यहाँ पर, अरता भाई ड्रोनमा उड़ा देंगे अब सबके दिखा करके, तक तोरा लगी शराबा कहेंगे ला पी रही है, आप सिविल ड्रेस में आइए, पुलिसकर्मी भी सिविल ड्रेस में रहेंगे जो कि नुक करके ड्रोन को उड़ाइए, समझे, ऐसा करिए तब ना होगा, पकड़ा जाएगा कोई। तो इसके लिए कौन सा, इसके लिए क्या करना चाहिए जिससे कि ये, इसके लिए हम यही कहेंगे कि अगर ड्रोन से नहीं पता चलता है तो आप एक काम करिए, सिविल ड्रेस में सभी जगह शराब का पता लगाइए, अभी सभी जगह शराब का माफियाओं का बहुत सा अथी है, उसको अपना पुलिसकर्मी नहीं एक IAS की दिमाग से देखिए और उसका पता लगाइए, क्योंकि इसमें दिमाग की बात है, इसमें राइफल की बात नहीं है, बिना डंडा इसमें, और जो पकड़ा जाता है उस पर एक दिन लाइए, जब पकड़ा जाएगा उस गाँव का लोग